अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आवाज़ रखे। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त गरम मसाला, ऐसा मसाला जो आप बकरीद पर आराम से अपने घर में चिकन कढ़ाई, मटन, बीफ या कोई कलेजी या फिर कोई भी आप अपने घर में रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए आपको बाहर से मसाले मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज हम ये आपके लिए रेसिपी लाए हैं, बहुत ज़बरदस्त है ये। इसको बनाकर आप आराम से रख सकते हैं, 50 खानों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी क्वांटिटी कितनी है। अच्छा जी, आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लें ताकि आप भूलें नहीं और आप आराम से इसको बना सकें। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिए है हाफ टेबल स्पून, मैंने यहाँ पर लौंग ली है, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, 4 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और 4 स्टिक मैंने यहाँ पर दालचीनी की, ये देखें बड़े वाले स्टिक्स लिए हैं मैंने, और 7 अदद इलायची लिए हैं, हरी इलायची, 3 ये बड़ी इलायची ली है, 2 टेबल स्पून सौंफ लिए हैं और 2 मैंने बादियान के फूल लिए हैं और छोटा सा टुकड़ा जावित्री का लिया है और साथ में मैंने एक जायफल लिया है। इसको बस हल्का सा हम इसको ऊपर से इसका छिलका उतारेंगे इस तरह से और ये अंदर से इस तरह निकल आएगा। ठीक है, अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। और इसको अब हम करेंगे रोस्ट, थोड़ा सा हल्का सा बस हमने करना है इसको। इसको डालेंगे हम सभी मसालों को पैन में, इसको मैं रोस्ट करूँगी। इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, इस तरह से बस हिलाते रहें। ठीक है, तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने इसको रोस्ट करना है। ठीक है, इस तरह से, और ये हर घर और हर किचन की ज़रूरत है। ठीक है, आप इसको बना के आराम से इसको रख सकते हैं, इसमें आपके टाइम की भी बचत होगी। ये हमारा मसाला अच्छे तरीके से रोस्ट हो गया है और अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। इसको अब मैं उतार लूँगी। मसाला हमारा रोस्ट हो गया है और मैंने इसको ठंडा भी कर लिया है और ये मिस हो गया है मुझसे, इसके लिए माजरत। 4 तकरीबन टुकड़े आपने इसके भी लेने हैं तेज़पात के। ठीक है, अब इसको हम पीसेंगे, इसमें डाल लेंगे। इस तरह से फाइन सा पाउडर हमने इसका बना लेना है। हमारा मसाला एकदम बनकर तैयार हो गया है, देखें कितना ज़बरदस्त और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यकीन करें, आपके खानों की शान बढ़ा दे गई है। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होगा, बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला या फिर आप टिक्का मसाला भूल जाएंगे अगर आप इसको बना कर रखेंगे। आपको मज़ा आ जाएगा, आराम से, सस्ता बहुत ज़्यादा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो आराम से आप इसको ना हाफ टेबल स्पून किसी भी खाने में, बिरयानी, कोरमा या फिर आप मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई जो भी बना रहे हैं, हाफ टेबल स्पून आराम से इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।